हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जीमेल को। तो यार जीमेल को अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि जो यूआई उसका चेंज हुआ है, उसको गूगल उसको बुलाती है जीमेल 2.0। तो यार बहुत अच्छा यूआई है और मुझे भी अच्छा लगा, पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ जीमेल। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रोम जो है वो भी पीछे पीछे अपडेट हो रहा है? अगर नहीं पता होगा तो आज से पता करना चालू कर दो। मेरा नाम है शाश्वत, आप देख रहे हैं टेक फाइबर, एंड आज इस वीडियो में मैं यही बात करने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे नया वाला क्रोम का यूआई अपने किसी विंडोज डिवाइस में लेके आ सकते हो। जहां तक मुझे पता है ये एंड्रॉयड और मैक पे तो काम नहीं करेगा। मैक का मुझे उतना पता नहीं, एंड्रॉयड पे तो पक्का काम नहीं करने वाला, लेकिन विंडोज पे ये 100% काम करेगा। तो यार बताते हैं इस वीडियो में। सो या गाइस विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया है गूगल की तरफ से, क्रोम कैनरी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको इसको इंस्टॉल करना है। एंड एज यू कैन सी, ये वही पुराना यूआई लेके आ चुका है जो हम लोग को क्रोम के अंदर मिलता है। सो मैंने क्रोम और इसको साइड साइड में ओपन किया है। ये रहा क्रोम कैनरी एंड ये रहे गूगल क्रोम। सो देख सकते हैं यार दोनों लोग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो यार अब बताते हैं जो क्रोम का नया यूआई है, उसको गूगल बुलाती है मटेरियल डिजाइन 2, उसको आप इसमें कैसे लेके आ सकते हैं विंडोज लैपटॉप के अंदर। तो यार सबसे पहले आपको एड्रेस बार पे टैप करना है एंड देन टाइप करना है क्रोम कोलन स्लैश स्लैश फ्लैक्स पे एंड एंटर करना है। सो एंटर करने के बाद अब ये लोड हो रहा है और आपके सामने थोड़े बहुत फ्लैग्स आ जाएंगे। और यहाँ पे पहले से एक वार्निंग दी जा रही है कि आप लोग को इसके अंदर कुछ भी खेल विल नहीं करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर यहाँ से आपका ब्राउजर डेटा और सिक्योरिटी और प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है। तो यार सोच समझ के जो भी आपको यहाँ पे खेल करना होगा वहां करना। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है एक फ्लैग के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सर्च फ्लैग्स के ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा एंड देन हैश डाल के टॉप डैश क्रोम डैश MD वाले फ्लैग को सर्च करूंगा। एंड एज यू कैन सी ये वाला फ्लैग है टॉप क्रोम MD। तो ये वाला फ्लैग जो है इसी का हम लोग को यूज करना है। सो इस फ्लैग के आगे आप लोग देख सकते हो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है जहां पे आ रहा है डिफॉल्ट करके, ये रहा वो ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो इसको एक बार टैप करना है एंड देन आपको करना है रिफ्रेश। इसी ड्रॉप डाउन बॉक्स में रिफ्रेश करना है, ना कि ये वाले पे। तो यार रिफ्रेश यहीं से करना एंड देन रीलॉन्च। अब देखना बिल्कुल नया यूआई आने वाला है एंड अभी ये लोड हो रहा है। अगर एक बार भी ना खुले तो यार और दूसरी बार उधर से टैप कर लेना डेस्कटॉप से, अगर एक बार भी ना ओपन हो तो। एज यू कैन सी अब ये लोड थोड़ा बहुत हो रहा है और मुझे जहां तक पता है ये जब भी ऐसा लोड होता है तो फिर कुछ ना कुछ नया लाता है। तो एज यू कैन सी कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस। इसको मैं क्लोज करता हूँ और नया टैब लेके आता हूँ यहाँ पे और साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं इसका। सो कितना ज्यादा डिफरेंस है, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ये कितने ऐसे रफ कॉर्नर्स लग रहे हैं, यहाँ पे कितने स्मूथ कॉर्नर्स हैं, यू कैन सी राउंडेड कॉर्नर्स। और यहाँ पे न्यू टैब के लिए ये एक छोटा सा बटन दिया गया है, जहां तक इसमें एक साइड में ही बटन दिया जाता है न्यू टैब के लिए। एंड यहाँ पे जो भी आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं बहुत स्पेशियस है और जिनका आई थिंक लैपटॉप टच वाला होगा या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप जो रहेगा उसको टच स्क्रीन सपोर्टेड होगा तो फिर ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है उसके लिए। और मटेरियल डिजाइन 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। एंड जहाँ तक अभी चलते हैं कोई एक वेबसाइट पे, चलते हैं हम लोग गूगल पे ही। सो google.com चलते हैं इधर। एज यू कैन सी कितना स्पेशियस लग रहा है, सही में बहुत स्पेशियस। एज यू कैन सी यहाँ पे जो टेक करके लिख के आ रहा है, यहाँ पे मैंने टेक फाइबर के अकाउंट से साइन इन किया है एंड यहाँ पे मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से साइन इन किया है। तो यहाँ की जगह अब वो बटन यहाँ आता है, अच्छे से प्रोफाइल पिक्चर भी आती है और यहाँ पे नाम भी लिख के आ जाता है अगर आप होवर करते हो, और एक्सटेंशन भी आप ऐड करोगे तो यहीं पे आ जाएंगे। अब यार एक और चीज देखो, यहाँ पे जो एड्रेस बार है रेक्टेंगल में एंड यहाँ पे जो है वो पूरा राउंडेड है, इसको आप लोग देख सकते हो पूरा राउंडेड कॉर्नर दिया गया है। और जो भी एप्स या फिर जो भी एक्शंस हैं उनके ऊपर देखो सर्कल वाला एक बैकग्राउंड आ रहा है, जहां तक पुराने वाले क्रोम में स्क्वायर बैकग्राउंड आता था। तो बहुत ही ज्यादा अपडेट किया गया है। अब मैं सच कहूँ मैं क्रोम कैनरी को ही अब से यूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नया लेआउट जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आया। तो यार
अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और या नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा रेड कलर का, उसको दबा देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आप लोगों को पता चल जाए मैं जब भी कोई नई वीडियो डालता हूँ। तो यार इसी तरीके से आप लोग मटेरियल डिजाइन 2 को किसी भी विंडोज लैपटॉप के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलूंगा अपने नए वीडियो में। थैंक्स एंड बाय।